मॉर्निंग एवरीवन, आज है कोडाईकनाल में डे टू। तो आज हम लोगों ने कैब बुक किया हुआ है, हम लोगों ने 2200 रुपीज़ लिया है। तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन हैं, आप लोग ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो और यहाँ पे आने के बाद भी बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेगा। मॉर्निंग 9:30 से लेकर 4:30 तक वो लोग हमें यहाँ का लोकल जगह सब कुछ वो लोग हमें घुमाएंगे। तो टोटली उन लोगों ने हम लोगों को बताया कि 12 प्लेसेस वो लोग कवर करेंगे। तो उसके अंदर हम लोग अभी पहले प्लेस आए हैं मोहर पॉइंट। तो मोहर पॉइंट आने के बाद मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ आने के बाद मुझे एक गाना याद आ रहा है, यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है बट ऊपर जाने से बहुत अच्छा दिखता था, बट भयंकर सारे लोग हैं ना, तो शायद मुझे नहीं लगता ऊपर जाने के लिए टाइम मिलेगा। पाइन फॉरेस्ट में आप लोगों को रेकमेंड करूँगा, बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ पे फोटोशूट के लिए या वीडियोग्राफी के लिए बहुत ही सही जगह है। पाइन फॉरेस्ट देख के आने के बाद हम लोग अभी आए गुना केव। पाइन फॉरेस्ट से गुना केव हार्डली 1 किलोमीटर के अंदर ही आपको मिलेगा। शायद यही गुना किए हुए, तो ऊपर सारा ग्रिल लगा के रखे हुए, शायद यहाँ से जाके वहाँ से कनेक्ट है शायद। वो टूरिस्ट को उल्लू बनाकर फोटो खींचते हैं ना, वो गुना केव है ही नहीं, यहाँ नीचे वो है असली जगह। उस जगह का असली नाम पता है क्या है? डेविल्स किचन। जो भी अंदर गिरे है वो वापस कभी नहीं आए। व्यू पॉइंट से व्यू बहुत ही सही तरीके से दिख रहा है। सोच रहा हूँ कि लोग हैं तो अभी एक बार जगह ट्राई करूँगा देखने के लिए, क्योंकि मुझे मिस नहीं करना है ये वाला जगह, क्योंकि बहुत ही सुंदर है। और इतने लोगों को बीच से घुस के ऊपर तक जाने के तक बहुत शायद बहुत ही टाइम लगेगा। फाइनली व्यू पॉइंट के पास आके पहुँच गया। सिक्स ईयर्स बैक जान फर्स्ट के टाइम पे मैं आया था, उस टाइम बहुत ही फॉग था, यहाँ का जगह सही से देखने के लिए मिला नहीं था, बट अभी बहुत क्लियर है। जो आपके सामने वो दिख रहा है वो पिलर रॉक है, यहाँ से ये वाला व्यू देखने के लिए किंग कॉन्ग मूवी का सेट लग रहा है। अब हम लोग आगे पहुंच गए ग्रीन वैले व्यू पॉइंट पे। तो शायद वहाँ पे मुझे टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि 15 मिनट तक वॉक करना पड़ेगा यहाँ से। व्यू पॉइंट मुझे उतना कुछ स्पेशल नहीं लगा, बट यहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट है ना, ये बहुत ही सही है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें, आप यहाँ पे यूनिक चीज़ें हैं तो वो खरीद सकते हो। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ख़रीदा। कुकर्स वॉक ऑफ व्यू पॉइंट सबसे बहुत ही बढ़िया है, यहाँ से तो ऑलमोस्ट आधा कोडाईकनाल दिख रहा है यहाँ से। I'm
कोडाइकनाल में डे 3। तो कल हम लोग कोकर्स वॉक पे यहाँ पे आए थे, तो उसके बाद मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया था क्योंकि बारिश भी आ रहा था कल। तो हम लोगों का भी बस है 6:30, तो हम लोगों के पास कुछ काम नहीं था, इसलिए हम लोग ऐसे नॉर्मल जगह ऐसे कवर कर रहे थे। तो हम लोग कोडाइकनाल लेक के पास चले गए, थोड़ा सा साइकिलिंग सब कुछ किए, और उसके बाद ब्रायंट पार्क है उसके साइड में बगल में ही, तो हम लोग वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे जाने के बाद एक थोड़ी देर तक हम लोग वहाँ पे बैठ के आ गए। तो हमें पता नहीं था कि वहाँ से ब्रायंट पार्क है ना, उसके पीछे वाले गली पे ही चल के आप जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको कोकर्स वॉक आपको मिलेगा। अच्छा हुआ कि आज हम लोग यहाँ पे और एक बार आ गए, क्योंकि यहाँ का वेदर कल से भी बहुत आज बढ़िया लग रहा है। तो बारिश आया ना, उसके वजह से यहाँ पे फुल फॉगी फॉग है। इतना देर तक उस साइड में पूरा फॉग से भरा हुआ जगह था, अब थोड़ा स्लोली स्लोली हर चीज़ें क्लियर हो रहा है। कोडाइकनाल सीरीज़ के अंदर आप लोगों को 2 एपिसोड देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोगों को यहाँ पे कोडाइकनाल आने का कुछ प्लान रहेगा ना, तो ये पुराना वीडियोस भी आप देख लीजिएगा, आपको आइडिया मिलेगा कि यहाँ पे आप कैसे जगह आप लोग एक्सप्लोर कर पाओगे। और उसके अलावा यहाँ पे विलेज टूर और कुछ जंगल टूर सब कुछ आपको मिलेगा। तो आप लोग कितना दिन आप लोग यहाँ पे रहने का प्लान है, तो आप इसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हो। आप लोग अभी तक मेरा ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे ही आगे और एक नए वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।